अब सहकारिता की बात करते हैं। सहकारिता यानी साथी हाथ बढ़ाना, और यही है हमारा इस वक्त का सेशन। और इसके लिए मैं गुजारिश करूंगी श्री विनोद आनंद जी से, जो कि मेंबर है एमएसपी कमेटी के, वो इसे मॉडरेट करें। और जो पैनलिस्ट हैं उन्हें मैं बुला देती हूं मंच पर। हमारे साथ जुड़ रहे हैं श्री चंद्रपाल यादव, जो कि चेयरमैन है क्रिप्को के। यादव साहब स्टेज पर आए। श्री उमाकांत दास, जो कि डायरेक्टर हैं इरमा के, और आर विनीता, जो कि चीफ डायरेक्टर हैं एनसीडीसी की। नमस्कार। एक आज की तारीख में एक ऐतिहासिक दिन है। मुझे लगता है कि जो सहकारिता क्षेत्र के जिन्होंने या जिन महर्षियों ने सोचा होगा कि कोऑपरेटिव कैसी संस्थाएं हो और कोऑपरेशन कैसे शुरू हो, से लेकर आज तक, और खास करके किसान तक के मंच पे जहां पे हम सहकारिता की बात कर रहे हैं, और आगे हम बहुत सारी बातचीत करेंगे, लेकिन सहकारिता क्या है, क्या ये कोई सिद्धांत है? सहकार्य हमारे रगों में है, मतलब आप जो भारतीय पद्धति से हम लोग जुड़े हैं, और वेद में भी इसका उल्लेख है। जैसे हम साथ हवन करते हैं तो वो भी सहकारिता है। तो उसमें कई श्लोक हैं, एक उसमें श्लोक है, समान याकूति समान हृदय च, लेट अस वर्क टुगेदर, लेट अस ईट टुगेदर, लेट आवर एनवायरमेंट बी आवर ओन। तो इसका एक अलग महत्व है। और आज की तारीख में, पिछले वर्ष लगभग एक वर्ष पूर्व में, जहां सहकारिता एक कृषि विभाग के कृषि भवन में अटका हुआ था, हम एक नया मंत्रालय कृषि विभाग का से निकल के सहकारिता का अब एक नया मंत्रालय है, और उस मंत्रालय का नाम मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन रखा गया है। वो कोऑपरेटिव नहीं रखा गया है, या उससे उसके साथ कुछ और ऐड नहीं किया गया। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। हमारे यहाँ और भी सहकारी संस्थाएं हैं, लगभग 8.54 लाख कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशन हैं, यानी कि हर सातवें या आठवें घर पे, हाउसहोल्ड पे, हमारे यहाँ एक कोऑपरेटिव है। और आने वाले समय में जो प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटी, जो ग्रास रूट पे सबसे जो निचला एक पीढ़ी है कोऑपरेटिव की, वो कैसे बने, तो 3 लाख कोऑपरेटिव अभी और बनने हैं ग्रामीण स्तर पे। परंतु सहकारिता ऐसा लगता है कि वो उलझ के रह गया है कहीं कृष्ण भगवान के दूध दही मक्खन के चक्करों में, और दूसरा वहां से निकल के जो फर्टिलाइजर में हमारा इतना 2.5 लाख करोड़ का जा रहा है सब्सिडी, कहीं वहां उलझ के रह गया है, ऐसा हम सबको लगता है। कुछ राज्य में जाते हैं, गुजरात, महाराष्ट्र या कर्नाटकम में, तो वहां तो सहकारिता एक बड़े अलग अलग आयाम, अलग अलग ऊंचाइयां छू रहा है। लेकिन जब जैसे ही हम अपने राज्य की ओर देखते हैं, झारखंड, बिहार और इन राज्यों की तरफ, तो थोड़ी निराशा होती है। तो हमारे साथ है जो एक सम्मानित मंच है, और एक सम्मानित मंच जो किसान तक ने बनाया है, इनका हम सब लोग तहे दिल से शुक्रिया करते हैं। हमारे साथ जो क्रेडिट में, यानी कि नेशनल कोऑपरेट क्रेडिट डेवलप, जो हमारा डेवलपमेंट कैसे होता है, एनसीडीसी जिसको हम कहते हैं, उनके सहयोगी हैं हमारे साथ में। और आपने सुना होगा इरमा के बारे में। इरमा बनाया गया था इस आधार पे कि जब बैठकें होती थी आईएम्स में, तो उसमें कहा जाता था नाउ आवर ग्रेजुएट्स विल मिल्च द काओ। सो उस भावना से आहत होकर के कुरियन साहब ने रूरल मैनेजमेंट कैसे हो, प्रोफेशनल कैसे बने, एक संस्था की नींव रखी थी, और ऑटोनोमस तरीके से आज उन्होंने प्रूफ किया कि कोऑपरेटिव इज अ बिजनेस। और आज देख रहे हैं कि हम सब तालियों के साथ एक बात का तो हम लोग स्वागत करें कि विश्व में जो सबसे बढ़िया कोऑपरेटिव है इफ्को, इफ्को के लिए एक ताली बजनी चाहिए। विश्व की सबसे बड़ी कोऑपरेटिव है वर्ल्ड कोऑपरेटिव मॉनिटर के द्वारा जो आंकड़े आए हैं, तो डॉक्टर उमाकांत दास साहब और इनका इंस्टीट्यूशन उस क्षेत्र में पहले भी था और आगे भी अनवरत लगा रहेगा। अभी कोऑपरेटिव की यूनिवर्सिटी सरकार ने बनानी है।
हमारे साथ यादव जी हैं, आपका नाम ही काफी है, और क्रिफ्को का सब आपने नाम सुना होगा। तो क्रिफ्को की जो मुख्य मील के पत्थर हैं, क्रिफ्को की जो उन्होंने शुरुआत की थी वो उन्होंने की थी, और जो इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस है उसके भी प्रेसिडेंट हैं, यानी कि विश्व में जो कोऑपरेटिव का जो समूह है उसके भी मुखिया हैं। तो मैं सबसे पहले शुरू करूंगा शिक्षक से, जो सहकारिता के तरफ जो शिक्षा का प्रसार करते हैं, डॉक्टर उमाकांत दास साहब से, कि हम वो HRD कैसे क्रिएट करें जो बदलते परिवेश में कॉरपोरेट वर्सेस कोऑपरेटिव ना हो, लेकिन कोऑपरेटिव जो हमारा हो वो कैसे कॉरपोरेट वॉर में टिक पाए या उससे आगे निकल पाए, हम ऐसा HRD कैसे क्रिएट करें। डॉक्टर साहब, विनोद जी बहुत बहुत धन्यवाद। जब डेढ़ साल पहले, दो साल पहले मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन गवर्नमेंट सेटअप किए थे, दिस वॉज वन ऑफ उनका जो ऑब्जेक्टिव था कि कैसे जो बिजनेस है और जो कोऑपरेटिव्स हैं दैट इज गोइंग टू बी मेड एज ए वाइब्रेंट इकोनॉमिक एंटरप्राइजेस। अगर हम लोग देखेंगे कि द डिफरेंस बिटवीन जो कोऑपरेटिव एंड कॉरपोरेट, देर इज नो मच डिफरेंस। हमारा कोऑपरेटिव का है जो प्रिंसिपल, 7 principles हम लोग बोलते हैं, सो ये 7 principles के आधार पे हम लोग बिजनेस करते हैं कोऑपरेटिव में, जबकि कॉरपोरेट में उनका बेसिक ऑब्जेक्टिव रहता है प्रॉफिट कैसे मैक्सिमाइज किया जाएगा, उनका रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट कैसे मैक्सिमाइज किया जाएगा। सो हमारा मेजर प्रॉब्लम अगर कोऑपरेटिव सेक्टर देखेंगे तो, जिसके लिए हमारा इरमा 1979 में डॉक्टर कुरियन साहब बनाए थे, कि कैसे इस कोऑपरेटिव को और जितने सारे इंस्टीट्यूशंस है रूरल इंडिया में उनको प्रोफेशनलाइज किया जाएगा, क्योंकि अगर इंस्टीट्यूशंस प्रोफेशनली रन नहीं होगा तब वो लोग कॉम्पीट नहीं कर पाएंगे मार्केट में, उनका सस्टेनेबिलिटी प्रॉब्लम पे रहेगा, और आगे जाके उनका इन्वेस्टमेंट, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो हम लोग बोलते हैं, इट विल बी क्वेश्चनेबल। सो हमारा अगर अभी दो आंकड़े बताया गया कि 8.5 lakh कोऑपरेटिव्स है, 29 crores पॉपुलेशन आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एसोसिएटेड है कोऑपरेटिव में, तो एक मेजर चैलेंज अगर हम देखेंगे तो द फर्स्ट मेजर चैलेंज ऑफकोर्स इज कैपिटल का, लैक ऑफ कैपिटल। सेकेंड जो है हमारा मैन पावर, ट्रेंड और प्रोफेशनल, में लैक ऑफ ट्रेंड और प्रोफेशनल मैन पावर जो बोला जाता है। तो अभी हम लोग रियलिटी अगर चेक करेंगे, जैसे कि पहले सेशन में भी बोला गया था कि फार्मर का बच्चा फार्मिंग करना नहीं चाहता है, डेयरी का फार्मर से का बच्चा डेयरी करना नहीं चाहता है, क्योंकि हमारा सब एस्पिरेशन चेंज हो गया है। इसमें उनका कुछ गलती नहीं है, गलती तो हमारा है, क्योंकि हमारा जो इकोसिस्टम हम लोग दिए हैं वो इकोसिस्टम में वो उनको प्राइड आना चाहिए, उनको बिलोंगिंगनेस आना चाहिए, उनको जो काम कर रहे हैं वो चैलेंजिंग होना चाहिए, वो जो काम कर रहे हैं वो मोटिवेटेड होना चाहिए, वो सब नहीं है हमारा। हम तो किसी को जबरदस्त धक्का दे के तो भेज नहीं सकते हैं, द ओनली थिंग दैट वी हैव टू डू इज टू मोटिवेट। तो अगर हम लोग उनको एस्पिरेशन, जो उनका एस्पिरेशन के हिसाब से अलाइन करके जॉब ओरिएंटेड, कैसे कोऑपरेटिव को जॉब ओरिएंटेड किया जाएगा, कैसे कोऑपरेटिव को कॉर्पोरेट के साथ कॉम्पीट किया जाएगा, तो इसीलिए जब मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन किया गया है, ये कोऑपरेटिव नहीं है, ये कोऑपरेशन है। कोऑपरेशन मतलब ये है कि कोऑपरेशन अमंग द कोऑपरेटिव्स, कोऑपरेशन बिटवीन कोऑपरेटिव एंड कॉरपोरेट्स, जो गुड प्रैक्टिसेस है, गवर्नेंस प्रैक्टिसेस है, ये इक्वली रेलेवेंट है कोऑपरेटिव सेक्टर के लिए भी, ये नहीं कि कॉरपोरेट सेक्टर के लिए ही चाहिए, कोऑपरेटिव सेक्टर के लिए नहीं चाहिए। अगर गुड प्रैक्टिसेस हम लोग वहाँ से सीखे, गुड प्रैक्टिसेस वहाँ से लाएं एंड गुड गवर्नेंस से प्रैक्टिसेस फॉलो करें, तो वो तो हमारा बेनिफिशियरी तो रहेंगे किसान भाई और दो कोऑपरेटिव मेंबर्स ओनली। तो हमारा जो है वन ऑफ द चैलेंज नाउ वी आर फेसिंग कि कैसे सफिशियंट वेल एजुकेटेड प्रोफेशनल्स विल बी प्रोवाइडेड, विल बी मेड अवेलेबल
टू द कॉर्पोरेट सेक्टर, कोऑपरेटिव सेक्टर, सो दैट द कोऑपरेटिव सेक्टर इज ऑल्सो गोइंग टू बी प्रोफेशनली रन लाइक कॉर्पोरेट सेक्टर. तो आई थिंक जो अभी विनोद साहब भी बोले हैं कि मिनिस्ट्री ने भी फैसला लिया है कि एक यूनिवर्सिटी बनाया जाएगा. जो गैप्स है हमारा प्रोफेशनली, लैक ऑफ ट्रेनिंग हो गया या डिग्रीज हो गया या एजुकेशन हो गया या रिसर्च हो गया, हमारे पास एविडेंस नहीं है. जो पहले भी बताया जा रहा था कि MSP काफ़ी स्टेट्स ऐसे भी है जहां MSP तो है लेकिन किसान वो MSP पे बेच नहीं सकते हैं. आई थिंक वन ऑफ द जो इंटरवेंशन विच गवर्नमेंट हैज इंट्रोड्यूस्ड इज द स्टोरेज फैसिलिटीज. अगर हम लोग एप्रोप्रिएट फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे, एप्रोप्रिएट कैपिटल प्रोवाइड करेंगे, एप्रोप्रिएट इंफ्रास्ट्रक्चर देंगे, इकोसिस्टम क्रिएट करेंगे ताकि दे आर इक्वली कॉम्पिटेटिव लाइक कॉर्पोरेट सेक्टर, उसमें हमारा जो ह्यूमन रिसोर्स का सख्त जरूरत है. तो वही. थैंक यू सो मच सर, आपने बात रखी. खास करके जो NCCT और तमाम इंस्टीट्यूशन से जो हम आज झेल रहे हैं, तो उसके समाधान के रास्ते में कोऑपरेटिव यूनिवर्सिटी एक मील का पत्थर होगी. मैं आग्रह करूंगा अपने क्रिफ्को से, क्रिफ्को के प्रेसिडेंट हैं आप, आखिर कारण क्या है कि कितना सारे जो फर्टिलाइजर फर्म्स हैं उनका तो प्रॉफिटेबल वेंचर काफ़ी है, लेकिन उस वैल्यू चेन में जो उसको प्रजातांत्रिक तरीके से किसानों को उसका जो फायदा पहुंचता है उसमें सरकार का ही घाटा होता है. हम कब इससे बाहर निकल पाएंगे? क्या इसके लिए हम कुछ आगे कर रहे हैं? और आपके ऊपर तो और बहुत एक पूरे विश्व के कोऑपरेटिव की जिम्मेवारी है, तो हम क्या भारत में कुछ ऐसा सिग्नेचर किसान तक और इस प्लेटफॉर्म के साथ आपके साथ कर सकते हैं कि जो एक कोऑपरेटिव के लिए, एक विश्व के लिए कोई एक बड़ा एक सिग्नेचर प्रोग्राम हो? देखिए, आपने जिस तरीके से चर्चा की कि देश में 8.5 लाख कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं, इनमें ज़्यादातर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एग्रीकल्चर से जुड़ी हुई हैं, और चूंकि हम सब जानते हैं कि हमारा देश कृषि प्रधान देश है, हमारे देश की जब ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगी तभी हम कह सकते हैं कि हमारा देश मजबूती की ओर आगे बढ़ रहा है. ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए किसान को खुशहाल बनाना होगा, और किसान को खुशहाल बनाने के लिए किसान के खेत का उत्पादन अच्छा हो, उनको बाजार में अच्छी कीमत मिले, किसान लाभकारी व्यवसाय करे, खेती का व्यवसाय लाभकारी तरीके से करेगा तो निश्चित रूप से किसान भी खुशहाल होगा, हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था भी मजबूत होगी. हमारे इससे पहले जो सेशन चल रहा था उसमें भी इस बात की चर्चा आ रही थी कि किसान की जो लागत है दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जा रही है खेत पे, और उसको जो MSP मिल रहा है या बाजार में जो कीमत मिल रही है वो उतनी अच्छी नहीं मिल पा रही है कि उसको कॉम्पीट कर सके. आज फर्टिलाइजर के रेट आप देख रहे हो बढ़ते चले जा रहे हैं. आपने जो सवाल किया, फर्टिलाइजर के रेट जब इंटरनेशनल मार्केट में बढ़ेंगे, क्योंकि फर्टिलाइजर को का जो रॉ मटेरियल है वो ज़्यादातर हमें इंपोर्ट करके लाना पड़ता है, यूरिया नेचुरल गैस की आवश्यकता पड़ती है, नेचुरल गैस हमारे देश में है लेकिन उसके बावजूद भी हमें इंपोर्ट करना पड़ता है. इंटरनेशनल मार्केट में अगर रेट बढ़ेगा तो निश्चित रूप से फर्टिलाइजर के जो प्रोडक्शन है उसकी पे जो है उसकी कीमत बढ़ जाएगी. लेकिन इसी तरीके से फास्फेटिक फर्टिलाइजर का है कि रॉक फास्फेट हमारे देश में सफिशियंट है नहीं, हम जो है रॉ मटेरियल बाहर से लाते हैं, इसलिए जो इंटरनेशनल मार्केट में रेट होता है उस रेट पर जब हम इंपोर्ट करके लाएंगे तो निश्चित रूप से फर्टिलाइजर की कीमत ज़्यादा होगी. लेकिन हम इस मौके पर धन्यवाद देना चाहेंगे भारत सरकार को, अभी से नहीं शुरू से, कि भारत सरकार ने हमेशा किसानों को सब्सिडी देने का काम किया है. आज ये यूरिया की कीमत क्या है इंटरनेशनल मार्केट के हिसाब से अगर हम लगाएंगे तो आज लगभग 40,000 रुपये पर टन जो है कीमत आती है.
मतलब 2000 रुपए का बैग आना चाहिए। मैन्युफैक्चरिंग जो है उनकी प्राइस आती है वो 2000 रुपए आती है, लेकिन 265 रुपए में मिलती है, सरकार उस पर सब्सिडी देती है। अगर इसी तरीके से फास्फेटिक फर्टिलाइजर का भी है, तो जो हम जिस फर्टिलाइजर का हम उपयोग करते हैं वो फर्टिलाइजर इंटरनेशनल मार्केट में दिन प्रतिदिन उसकी कीमत बढ़ती चली जा रही है, और हम जो है रॉ मटेरियल लाना पड़ता है अगर यहां बनाते हैं या फिनिश प्रोडक्ट हम लेकर के आते हैं, तो निश्चित रूप से उन संस्थाओं को उसी रेट पे किसानों तक पहुंचाना पड़ता है, और इसलिए दिन प्रतिदिन फर्टिलाइजर की कीमत जो बढ़ रही है इंटरनेशनल मार्केट से, उससे किसानों की लागत भी बढ़ रही है। उसमें कंपनियां जो भी उन्हें सपोर्ट कर सकती हैं कंपनियां सपोर्ट कर रही हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हम किसानों को जो सरकार पे जो भार पड़ रहा है, क्योंकि जो मैन्युफैक्चरिंग प्राइस है और जो हम सेल प्राइस है उसमें बहुत बड़ा अंतर है, अगर सरकार की तरफ से सहायता नहीं मिलेगी तो शायद हम समझते हैं कंपनियां एक साल भी नहीं चल सकती। इसलिए सरकार के सहयोग की आवश्यकता पड़ती है और सरकार के सहयोग की हमेशा आवश्यकता पड़ेगी, लेकिन तरीके कई हैं। जैसे पहले कंपनियों को सब्सिडी देते थे, अब किसानों को सब्सिडी दी जा रही है। हम तो चाहते हैं कि अगर किसान, जैसे हमसे पहले चैनल में पैनल में लोगों ने बात की थी कि डायरेक्ट सब्सिडी किसान के खाते में जाना चाहिए, कोई किसान खरीदता है नहीं खरीदता है क्या करता है, किसान को सब्सिडी मिल जाए, किसान मार्केट रेट पे खरीदे, हमें कोई आपत्ति नहीं है। अगर किसान को सरकार डायरेक्ट सब्सिडी देगी तो संस्थाओं को कोई आपत्ति नहीं होगी, संस्थाएं उस रेट पे खरीदने का काम करेंगी। लेकिन आज सहकारिताओं का, दूसरा सवाल आपने किया, आज सहकारिताओं का इस देश में बहुत बड़ा महत्व है। हम सहकारी संस्थाओं के माध्यम से, कोऑपरेटिव सोसाइटीज के माध्यम से, पैक्स के माध्यम से, सेंट्रल सोसाइटीज के माध्यम से किसानों तक, जहां किसानों को जिन कृषि आदानों की आवश्यकता है, फर्टिलाइजर की आवश्यकता है, सीड की, अच्छे सीड की आवश्यकता है, किसानों को क्रेडिट की आवश्यकता है, वो सब सहकारी संस्थाओं के माध्यम से गुड क्वालिटी, सही प्राइस में, सही क्वांटिटी में उपलब्ध कराने का आज सहकारी संस्थाएं काम कर रही हैं। और किसानों का जब उत्पाद हो जाता है तो चाहे MSP पे खरीदना पड़े या बाजार से कम्पीट करना पड़े, आज जो निजी क्षेत्र है जिनकी मोनोपोली बाजार में चलती है, उनकी मोनोपोली को समाप्त करने के लिए हमारी सहकारी संस्थाएं हैं, नेफेड खरीद रही है, NCC अब खरीद रहा है, कई कोऑपरेटिव की संस्थाएं हैं जो पूरे देश में सरकार के जो तय किए हुए रेट हैं MSP या बाजार से कम्पीट करके और जो है खरीदने का काम कर रहे हैं। इससे किसानों को लाभकारी मूल्य मिल रहा है, किसानों को जो निजी क्षेत्र की जो मोनोपोली होती है उस मोनोपोली को तोड़ने का काम सहकारी संस्थाएं कर रही हैं। इसलिए किसानों को कृषि आदान या किसान के उत्पाद को बाजार में ले जाकर के जो बेचने का काम है वो सहकारी संस्थाओं के माध्यम से बेहतर तरीके से हो रहा है। इसी पे किसानों को भरोसा है और किसानों को की इनकम को बढ़ाना, किसानों की इनकम को बढ़ाना हमारा उद्देश्य है, सहकारी संस्थाओं का उद्देश्य है। उनका उत्पादन बढ़े, उनकी इनकम बढ़े, उनको हम कितनी ज्यादा से ज्यादा सहूलियतें दे सकते हैं दें, क्योंकि ये संस्थाएं किसानों की संस्थाएं हैं, उनमें जो पैसा लगा हुआ है सहकारी संस्थाओं के माध्यम से किसानों का ही पैसा है। हम किसानों को बेहतर सुविधाएं देना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि इस देश का किसान खुशहाल हो, इस देश का किसान आगे बढ़े, इसमें उन्हीं की द्वारा तैयार की हुई संस्थाएं उनके साथ खड़ी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने काफी कम शब्दों में पूरा सारगर्भित बातें बताई। नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, इसमें कॉरपोरेशन वर्ड है, और कोऑपरेटिव के डेवलपमेंट के लिए सरकार ने, भारत सरकार ने ये संस्था काफ़ी समय पहले शुरू की थी और 80 के दशक के बाद से खास करके काफ़ी वाइब्रेंसी है। आप जब भी जाते होंगे श्री फोर्ट दिल्ली में, जो लोग रहते हैं तो वहाँ पे इनका कार्यालय भी है। फिलहाल जो कोऑपरेटिव के माध्यम से खास करके जो आउटरीच होना चाहिए क्रेडिट का, खास करके जो किसानों को जो ऋण कैसे मिल पाए, जिससे वो सिर्फ एग्रीकल्चर एक्टिविटी ही नहीं नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज में भी अपना काम शुरू कर सकें,
ऐसा कोई प्रकल्प एनसीडीसी अभी आगे आने वाले समय में क्या शुरू कर सकती है किसानों के लिए या कर रही है? बहुत बहुत धन्यवाद। उल्दुंडु वार्वारे वार्वार मत्रोरेल्लाम तुल्दुंडु पिन सेल्बवर, ये है तिरुकुरल। 2000 सालों के पहले किसानों के बारे में लिखा है, जो खेती काम करके जो खाना खा रहा है वो ही है हक से जी रहा है, जो दूसरा काम जो बिजनेस करके जो कर रहा है वो उसके पीछे ही जाना पड़ेगा। किसको? किसानों को पीछे ही जाना पड़ेगा। ये इतना महत्वपूर्ण, ये किसान का सम्मेलन में अभी ये इस कार्यक्रम में मैं जोड़ी हूँ, मैं बहुत गर्व है। और दूसरा एक है कि मैं भी एक किसान का बेटी हूँ, उसी का भी मेरा गर्व है। अभी जो बात आती है एनसीडीसी का, नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन है, 1963 से ये कर रहे हैं कि कोऑपरेटिव सोसाइटी का लोन दे रहे हैं, क्रेडिट है, क्रेडिट सेक्टर है। वो जो पहले से ही वो ओनली कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए ही दे रहे हैं, लेकिन वो क्रेडिट मतलब ओनली फार्मर्स को, सिर्फ फार्मर्स को नहीं दे रहे हैं, डेयरी सेक्टर को दे रहे हैं, फिशरमैन को दे रहे हैं, और टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज जो कोऑपरेटिव्स में है उनको भी दे रहे हैं। सारा जो सबका ये को लोन देते आ रहे हैं। जो कोऑपरेटिव मूवमेंट हम देखें तो इट इज़ मोर देन 100 ईयर्स, 100 साल पहले से ये कोऑपरेटिव मूवमेंट है हमारा कंट्री, उसमें तो वेरी बहुत फेमस है। हमारा कंट्री आगे बढ़कर है कोऑपरेटिव मूवमेंट में। मैं बताऊँ आपको, मैं बताने का जरूरत नहीं, आपको पता है आयरन मैन ऑफ द कंट्री सरदार वल्लभ भाई पटेल, त्रिभुवनदास पटेल, इन लोगों ने 1950s में ही शुरू किया था अमूल कोऑपरेटिव्स, विच इज़ वेरी वेल नोन, वो सबको जानता है दुनिया में, सब जानते हैं। एंड एज यू सेड दैट इफको क्रिपको लाइक मैनी कोऑपरेटिव्स, ये पहले आगे ही है। अभी जो 6 जुलाई 2021 में मंत्रालय बनाया है, मिनिस्ट्री बनाया है, उसमें वाई दैट क्या है अभी इम्पोर्टेंस है, इम्पोर्टेंस ये देना चाहते हैं कि किसान को आगे लेके आने के लिए हर एक पंचायत में कोऑपरेटिव सोसाइटी होना चाहिए, उसका अवेयरनेस देना चाहिए, उसके लिए ये अभी काम कर रहे हैं। वो पहले हमारा ये है कि कंप्यूटराइजेशन ऑफ पैक्स, अभी सारा डिजिटलाइजेशन हो गया, हम लोग मोबाइल में आप में से पैसा पेमेंट कर सकते हैं, कर रहे हैं, लेकिन कोऑपरेटिव्स के लिए डिजिटलाइजेशन बहुत ज़रूरी है। बड़ा जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज है, एपेक्स कोऑपरेटिव बैंक्स है, सारा बड़ा बैंक्स है, वो लोग के लिए तो ऑलरेडी डिजिटलाइजेशन डन, लेकिन जो छोटा छोटा कोऑपरेटिव सोसाइटी है गांव में है, उनके पास इवन एक कंप्यूटर भी नहीं है, उनको कंप्यूटराइज करके उनका कंप्यूटराइजेशन लेके आना है। और पहले जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज है वो सिर्फ लोन देते थे और लोन वसूल करते थे, वही काम था, लेकिन ई सर्विसेज, कॉमन सर्विस सेंटर, जो कॉमन सर्विस सेंटर क्या है, नाम सुनने में बड़ा होगा लेकिन छोटा छोटा काम करने के लिए, जैसे कि कम्युनिटी सर्टिफिकेट चाहिए, इनकम सर्टिफिकेट चाहिए, बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए, ये सर्टिफिकेट के लिए बहुत दूर जाना पड़ता था, लेकिन वो जो सोसाइटी है उसी में ये सेवा, इवन ट्रेन टिकट बुक करने का भी ये सेवा वो मिलेगा। ये ऐसे बहुत बहुत ही नया चीज़ों लेके आए हैं। एंड एज आई सेड एनसीडीसी जो है ये सब सर्विस करने के लिए, ये सोसाइटी इस्टाब्लिश करने के लिए है, पैसा चाहिए होगा, वर्किंग कैपिटल चाहिए होगा, तो उसके लिए लोन देने के लिए हम लोग एनसीडीसी है। और आई वुड लाइक टू से दैट, मैं ये बताना चाहूँगी 35,000 crores जो लास्ट ईयर है हमने लोन दिया है। कितना लोन देते हैं करके आप पूछ सकते हैं, कम से कम 1,00,000 से 7,000 crore तक हम लोन देते हैं टू द कोऑपरेटिव सोसाइटी। कोऑपरेटिव सोसाइटी आपको पता होगा कि वो अगेन फार्मर्स को देते हैं, तो आपका मन में ये भी हो रहा है कि ये क्या है कोऑपरेटिव सोसाइटी, हम भी जोड़ सकते हैं। डेफिनेटली आप लोग मिलके कोऑपरेटिव सोसाइटी बना के उसमें आप लोग लोन दे सकते हैं। और एक चीज भी कहूंगी, आप कोऑपरेटिव सोसाइटी नया रजिस्टर किया, नया बनाया,
तो लोन मिलेगा क्या? बैंक में जाएंगे तो क्या पूछेंगे? बैलेंस शीट दे दीजिए, 2 साल का बैलेंस शीट दे दीजिए। लेकिन हमारा जो एनसीडीसी में नया है युवा सहकार, मतलब जो 3 महीने हुआ आपका सोसाइटी रजिस्टर करके, आपको बिना बैलेंस शीट के बिना आपको लोन मिलेगा अप टू 1 करोड़। अगर 6 मंथ्स हो गया अप टू 3 करोड़ आपको लोन मिलेगा। वी आर हियर टू हेल्प ईच एंड एवरी कोऑपरेटिव सोसाइटी, हम आपके लिए तैयार हैं। थैंक यू वेरी मच। आई होप कि आने वाले समय में एक हमारे फार्मर्स के लिए कैफेटेरिया अप्रोच जो एक होता है कि जैसे आप क्या क्या खा सकते हैं, तो ऐसा कैफेटेरिया अप्रोच एनसीडीसी के माध्यम से हो। मैं आगे जाना चाहूँगा क्योंकि समय हमारे पास थोड़ा कम है। तो डॉक्टर दास, हम आने वाले समय में कैन वी क्रिएट 10 रतन टाटा सेट्स जैसे कोऑपरेटिव स्टूडेंट्स या कोऑपरेटिव विजनरीज पीपल जो एक नया आयाम शुरू करें? आज फर्टिलाइजर में हम इम्पोर्ट पे आधारित हैं, कल हो सकता है वो एक नए 171 फॉर्म से तो हम नहीं हो पा रहा है, कुछ और ऐसा करें, तो क्या हम हाउ वी विल गेट द रतन टाटा स्टेट ऑफ माइंड फॉर कोऑपरेटिव? अभी इवन आफ्टर 75 years इफ यू सी द स्टेटिस्टिक, द स्टेटिस्टिक सेज ओनली कपल नंबर्स, ए कपल ऑफ वेल नोन कोऑपरेटिव्स, couple of good corporators. With this couple of limited numbers, what the impact that we are expecting the cooperative sector to make is not possible. तो जो हमारा कोशिश है कि ये जो यूनिवर्सिटी बनेगा, जो अब तक जो इतना यूनिफाइड वे में एजुकेशन ट्रेनिंग नहीं हो रहा था, हमारा तो अभी फिलहाल 192 institutions है इंडिया में, कम नहीं है। हर स्टेट में तीन चार इंस्टीट्यूट्स है, लेकिन उसका क्वालिटी, उसका रिगर, उसका ड्यूरेशन इज नॉट क्वालिटी से गुड इनफ टू कैटर द नीड्स ऑफ द कोऑपरेटिव सेक्टर। एंड आगे जाके जो अभी चल रहा है दौर स्टार्टअप का, इनोवेशन का, एंटरप्रेन्योरशिप का, आई थिंक हम लोग अगर जोड़ दें कोऑपरेटिव को इनोवेशन के साथ, कोऑपरेटिव को स्टार्टअप के साथ, आजकल पैसा का कमी नहीं है। जैसे कि एनसीडीसी डायरेक्टर साहब ने बताया कि एनसीडीसी ने 2 करोड़ तक भी लोन देता है, तो वेंचर कैपिटलिस्ट भी आजकल बहुत है जो पैसा देने के लिए तैयार है। तो हमारा समवेयर हम डाउन द लाइन हमको ये युवा पीढ़ी का एस्पिरेशन के साथ जोड़ना पड़ेगा, उनको मोटिवेट करना पड़ेगा कि इस सेक्टर हैज ऑल्सो द सेम काइंड ऑफ पोटेंशियल दैट दे सी इन अदर सेक्टर्स। एंड जो इसका भाव आना चाहिए एंड प्राइड, दे शुड फील प्राउड दैट दे आर वर्किंग इन द कोऑपरेटिव सेक्टर, इन द डेवलपमेंट सेक्टर, दैट मेक्स लाइफ और फैमिलीज और हाउस होल्ड स्माइल। सो वो अगर थोड़ा जोर दें तो आगे जाके आई एम श्योर काफ़ी लोग, हमारा ये भी एक्सपीरियंस है जब हम लोग ऑफकोर्स अभी एक छोटा सा इंस्टीट्यूट है जहाँ 300 स्टूडेंट एवरी ईयर वी टेक, हमारा एक कंपोनेंट है विलेज फील्ड सेगमेंट होता है, वो आफ्टर 3 मंथ्स वो लोग जाते हैं, 2 महीना गांव में रहते हैं, गांव का इकोसिस्टम स्टडी करते हैं। वो जो जाते हैं स्टूडेंट 30-40% वो कभी गांव भी देखे नहीं होंगे पहले, लेकिन वो जो 2 महीना रह के आते हैं उसके बाद उनका पर्सपेक्टिव पूरा चेंज हो जाता है। उसमें से आधा लोग तो जाके गाँव में काम करने के लिए तैयार है। आज का जो प्रॉब्लम है, हम लोग उनको सिस्टम इतना रेडी नहीं है, इकोसिस्टम भी नहीं है, एनवायरनमेंट भी उतना चैलेंज ही नहीं है जाके वो गांव में काम करे। अगर हम लोग इंटीग्रेट कर सकते हैं, जैसे कि बोला जा रहा है कि वी आर गोइंग टू, जो हमारा अभी चल रहा है आत्मनिर्भर, एवरी विलेज शुड बी इन सेल्फ रिलायंट, एवरी विलेज शुड हैव ए कोऑपरेटिव, जो सपोज इफ वी आर गोइंग टू मेक द सेम काइंड ऑफ इनोवेशंस, एंटायर वैल्यू चेन इफ वी इंटीग्रेट, वॉट वी सी इन फिनटेक, the same kind of opportunities also we are going to see in this value chain. Tab aap jaake dekhenge ki jo aage hum log expect kar rahe hain, kyun limit 10 12 even hundreds of students are going to be interested and they will be known very soon. Thank you sir. So Ratan Tata in cooperative is expected very soon. Aapke upar sir ek bahut bade zimmedari hai international cooperative alliance ki. भारत में कोऑपरेशन के क्षेत्र में बहुत आमूलचूल एक बदलाव पिछले 1 वर्ष में संस्थागत तौर पे देखा गया है।
क्या जैसा अभी G20 की हम का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, क्या कोऑपरेटिव के लिए आप ऐसा एक विजन कुछ ऐसा है कि हम भारत के कोऑपरेटिव का अंतर्राष्ट्रीयकरण कर पाए, उनको अंतर्राष्ट्रीय मानक या फिर उस स्टैंडर्ड में ला पाए? और ऐसे एग्रीक्लोज से लेकर ऐसे बहुत सारे कोऑपरेटिव हैं, क्रेडिट कोऑपरेटिव्स हैं US में जो कि बड़े बड़े बैंक्स को भी टक्कर देते हैं। कई वहाँ पे कोऑपरेटिव बैंक्स ऐसे हैं जो भारत के मेन स्ट्रीम बैंक्स के मुकाबले भी खड़े नहीं हो पाते। तो हम कैसे एक भारत के कोऑपरेटिव का अंतर्राष्ट्रीयकरण का परिदृश्य बना सकते हैं, देखिए खास करके ICA के माध्यम से? हाँ देखिए, थोड़ी सी समय की एक हम लोगों ने सबने इस बात पर चर्चा की है कि हमारे देश का कोऑपरेटिव मूवमेंट बहुत बड़ा कोऑपरेटिव मूवमेंट है, और इस बात पे हमें गर्व है कि मैं कह सकता हूं कि दुनिया का सबसे बड़ा कोऑपरेटिव मूवमेंट हिंदुस्तान में है। आज लगभग 30 करोड़ लोग हमारे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जो है कोऑपरेटिव से जुड़े हुए लोग हैं। आज हम जो बेहतर तरीके से हम काम कर रहे हैं अपने देश में, मैं समझता हूं कि और दुनिया में लोग काम कर रहे हैं, हम ये नहीं कहते कि काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमारा काम कोऑपरेटिव के क्षेत्र में बेहतर है। जहां तक बैंकिंग के क्षेत्र में जो कुछ है, बैंक्स हैं, निश्चित रूप से जो कोऑपरेटिव बैंक्स हैं वो बेहतर काम कर रहे हैं, उनकी जो सफलताएं हैं उनको हम एडॉप्ट कर रहे हैं और हम प्रयास कर रहे हैं कि दुनिया के पैमाने पर हमारे देश की जो सहकारी बैंकें हैं वो काम कर सकें। क्योंकि और दूसरे देशों में जो कोऑपरेटिव बैंक्स लोन दे रहे हैं, सीधा सीधा किसानों को जो है वो ऋण नहीं देते, हमारे यहाँ सीधा सीधा हम किसानों को ऋण दे रहे हैं और उसमें बहुत सा ऋण वापस आता है, वसूली में बहुत सा आता नहीं है, सरकारें माफ कर देती हैं, बहुत तरीके हैं। इसलिए अभी हम जो प्रोफेशनल तरीके से हमें जो बैंक चलाने चाहिए वो हम नहीं चला पा रहे हैं। हम अभी जो हमारा डिपार्टमेंट बना है, निश्चित रूप से जब हर विलेज में कोऑपरेटिव सोसाइटी बनेगी, हर विलेज में उस कोऑपरेटिव सोसाइटी के माध्यम से लोगों को लोन भी मिलेगा, जो किसान का प्रोडक्ट होगा उसका वैल्यू एडिशन हो करके जो है बाजार में जाएगा, तो निश्चित रूप से जहां सस्ते ब्याज की दरों पर हम ऋण उपलब्ध करा सकते हैं वहीं हम जो है उनके प्रोडक्ट को वैल्यू एडिशन करके और उनको ज़्यादा कीमत दिला सकते हैं। और किसान के जेब में जब पैसा होगा तो निश्चित रूप से कोई बेईमानी नहीं करना चाहता। जो किसान पैसा बैंक का वापस नहीं कर पाता वो मजबूरी होती है उसकी जी, लेकिन जो जब उसके जेब में पैसा होगा उसके उत्पाद की अच्छी कीमत उसको मिलेगी, तो निश्चित रूप से हम विश्वास के साथ कह सकते हैं कि हमारा 100% जो दिया हुआ लोन है वापस आएगा, हमारी बैंकें बेहतर तरीके से काम कर पाएंगी, ज्यादा क्रियाशील तरीके से काम कर पाएंगी और हम इंटरनेशनल जो दुनिया के पैमाने पर हैं, हमारी बैंकें भी, और आज भी बहुत सी बैंक्स हैं जो बिल्कुल कंपटीशन में बहुत अच्छा काम कर रही हैं। हम विश्वास के साथ इस बात को कह सकते हैं कि सहकारी आंदोलन वो है जहां किसानों को तो हम लाभ पहुंचा ही सकते हैं, इसके अलावा हमारे देश में जो बड़ी समस्याएं हैं, चाहे समस्या बेरोजगारी की हो, चाहे समस्या जो है महंगाई की हो, अगर किसान सरसब्ज होगा तो इन समस्याओं से भी हम सहकारिता के माध्यम से निजात पा सकते हैं। बिल्कुल अच्छा पैनल है आपके साथ, हम तो एक सहकारी कार्यकर्ता हैं, हम तो एक काम करने वाले कार्यकर्ता हैं, लेकिन प्रोफेशनल इरमा के डायरेक्टर बैठे हैं। अगर हम अपने नौजवानों को अगर सही तरीके से उनको ट्रेनिंग दे सकें, उनमें अवेयरनेस पैदा कर सकें, तो आज हमारी जो प्रतिभाएं विदेश चली जा रही हैं, तमाम प्रकार से बड़ी बड़ी कंपनियों में बड़े बड़े पैकेज लेकर के काम कर रही हैं। हम कहते हैं कि अपने देश में अगर वो कोऑपरेटिव बना करके और अच्छा काम करें, किसान के उत्पादन को के वैल्यू एडिशन करने के लिए वो स्टार्टअप के माध्यम से अच्छा जो है प्रोजेक्ट ला करके और खड़ा कर सकते, जैसे आपने ही पिछले पैनल में कहा था कि 2,00,000 करोड़ जो है किसानों के लिए पड़ा हुआ है, कोई लेने वाला नहीं है। आज NCDC
क्रेडिट उपलब्ध करा रहा है कोऑपरेटिव सोसाइटीज को। बिल्कुल, तो आने वाले समय में पढ़े लिखे नौजवान क्यों नहीं कोऑपरेटिव सोसाइटी बना करके एक अच्छी सोसाइटी खड़ी करके प्रोफेशनल तरीके से चला करके जहां तमाम लोगों को रोजगार भी दे सकते हैं, किसानों को बेहतर मूल्य भी दे सकते हैं, बहुत अच्छा कर सकते हैं। इसलिए मैं समझता हूं कि कोऑपरेटिव मूवमेंट देश में खुशहाली लाने के लिए खुद जी, में बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत मूल बात कही। और क्रिफको के माध्यम से हम आपके लीडरशिप में ये सारा काम किसान तक हम सब लोग मिलके आगे करेंगे। इस प्रकार से हम लोग और भी सहकारिता की बातें आगे बढ़ाएंगे आने वाले समय में। ये तो सिर्फ एक शुरुआत है और शुरुआत इतनी अच्छी हुई है तो आगे और भी बहुत अच्छा होगा। तो मैं आप तीनों अपने जो पैनलिस्ट हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और हम लोग आगे की प्रक्रिया के लिए तैयारी करते हैं अगले प्रोग्राम के लिए। हमारे साथ सारे पद्म भूषण किसान बैठे हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको। हम रतन टाटा भी बनाएंगे और हमारे क्रेडिट कोऑपरेटिव्स भी अच्छे होंगे और हम एक भारत अंतर्राष्ट्रीय कोऑपरेटिव बनाएंगे, ऐसी बात होगी आगे ना। विनोद आनंद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे गुजारिश है कि तुलसी का पौधा देकर भेंट कीजिए और अभिवादन कीजिए हमारे सभी पैनलिस्ट का। शुक्रिया।